दोस्तों विश्वेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है जी। मैं दोस्तों उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ जिसे औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तुड़वाकर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर को काफ़ी हद तक और कई बार तुड़वाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसको 1194 से लेकर 1197 के बीच में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वाया गया। वैसे तो दोस्तों विश्वेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के आसपास विक्रमादित्य महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि दोस्तों उस समय से कोई तारीख डेट निश्चित नहीं है, क्योंकि शायद जब मंदिर को ध्वस्त करवा दिया जा सकता था तो शायद उसके इतिहास को, उसके गवाह को, उसके होने के वजूद को भी मिटा दिया गया होगा। और दोस्तों औरंगजेब शायद ये भूल गया था जिस मंदिर को आधा अधूरा तुड़वा के उसकी दीवारों के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा रहा है, उसके मीनारों का, उसके गुंबजों का, शायद उस मस्जिद का भी एक दिन वही हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब इतना क्रूर था कि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अपने पिता तो को उसने मतलब शासन के लिए बस उसको मार दिया। और दोस्तों जब भी मैं इतिहास में कभी इतिहास की किताब में औरंगजेब के बारे में पढ़ता था तो मतलब मेरा खून खौल जाता था, क्योंकि हमारे महापुरुष जो हमारे देश के लिए लड़े उनके साथ इसने बहुत ही बर्बरता किया। मतलब हमारे बहुत से हिंदुओं को मतलब बर्बरता के साथ मतलब इस्लाम धर्म कबूल करवाया, और जिसने नहीं कबूल किया उसको बेरहमी के साथ मार दिया। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हो औरंगजेब को गाली देना तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को खास फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ता भी है तो उसका हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों इस मंदिर के अस्तित्व को लेकर बहुत पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन 2022 के बाद ये खास चर्चे में है। जी हाँ दोस्तों, जब शहर की 5 महिलाएँ जिन्होंने उस मंदिर में नियमित पूजा और दर्शन करने के लिए कोर्ट में जाके याचिका दायर करवाई, और फिर दोस्तों कोर्ट ने जांच कमीशन बैठाई और उस जांच कमीशन को अनुमति दी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में जाके सर्वे करे। और दोस्तों सर्वे जारी किया गया और सर्वे चालू हो गया। दिन पे दिन बीतते गए, सारे सबूत मिलते गए, सारे तहखानों से मतलब ताले खुलवाए गए, उसके बाद वहाँ पे शिवलिंग का होना, हमारे स्वास्तिक का निशान मिलना, और बहुत सी ऐसी कलाकृतियाँ जो सिर्फ हिंदुओं के मंदिर में मिलती है, वो सारे सबूत मिले और उनके रिकॉर्डिंग भी हुए। और उसके बाद जो सबूत मिले उसको पब्लिकली करने के लिए, मतलब जो भी सबूत मिले उसको सारी दुनिया देखे, इसके लिए हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट में अपील किया। लेकिन जो विपक्षी पक्ष थे मुसलमान, वो नहीं चाहते थे कि ये सारी जो सबूत हैं वो सारी दुनिया देखे। उसके बाद दोस्तों वो बहुत सारी आपत्ति मतलब उस पर जताई गई, यहाँ तक कि जो जाँच कमीशन के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनको हटाने की भी मांग की गई। और वो सिर्फ इसलिए जो वास्तविकता है वो दुनिया ना जान पाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वास्तविकता तो लोग जानते थे बहुत सदियों से, लेकिन वो प्रूफ हो गया है वो इस बात को भी वो नहीं साबित होने देना चाहते थे। और दोस्तों सर्वे आज भी जारी है, देखते हैं इसका फैसला कब आएगा, लेकिन फैसला जब भी आएगा सत्य के पक्ष में आएगा। वैसे तो दोस्तों इस मंदिर के होने का बहुत से साक्ष्य हैं, लेकिन अब कोई मानना ही नहीं चाहता, उसकी बात अलग है। हालांकि जानते सब है, मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि हाँ इसको तुड़वाया जा चुका है, इसके ऊपर मस्जिद दोबारा बनाए गए, कई बार तुड़वाए गए, उसकी दीवारों को देखते हुए सबको पता है। यहाँ तक जब सबूत आया तो उसको जब कोर्ट मतलब और हिंदू पक्ष चाहता था कि वो सब जाने, उसको रोक लगाएगा इसीलिए कोई ना जाने। और वैसे तो दोस्तों बहुत से प्रमाण मिले उस मस्जिद के नींव के नीचे उस मंदिर के होने का, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल कुछ सबूत भी है जिसको मतलब अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन अलग बात है कि उनको जो लोग मतलब यहाँ आंखों देखे हाल को नहीं मान रहे, तो उन किताबों को और उसमें लिखी गई चीज़ों को कैसे मानेंगे। लेकिन जो है सो है, मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। वेन तत्संग जो कि चीन का एक पर्यटक था जो इंडिया आया था, और ये तब इंडिया आया था जब शायद औरंगजेब के बाप का भी जन्म नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये 600 ईसा पूर्व के आसपास आया था। और दोस्तों उसने अपने किताब में उस मंदिर के होने का वर्णन किया है। उसके बाद दोस्तों खुद औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी किया जो कि आपके सामने है, और उसे आज किसी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया। मैं उसके बारे में नहीं जानता, शायद जानना भी नहीं चाहता औरंगजेब के बारे में। और दोस्तों आखिरकार समय बीतता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक बहुत बड़े जेंस प्रिंसेप थे जिन्होंने शायद ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया, जो कि बहुत ही रेयर था मतलब और बहुत डिफिकल्ट था। और जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने बनारस के कुछ महान आर्टिस्टों के द्वारा बनारस की बहुत सी तस्वीरें ली, और उन सारी फोटो के बीच में एक फ़ोटो वो भी था जो शायद विश्वेश्वरनाथ मंदिर के आधे अधूरे दीवार के ऊपर खड़ी की गई मस्जिद का था। यह दोस्तों ये बहुत पहले की बात है, और वो फोटो भी बहुत पुरानी है, हालांकि आप देख सकते हैं, और ये आज की नहीं है और नहीं कैमरे के द्वारा ली गई, ये किसी विशेष आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है।
और दोस्तों आप कितना जानते थे विश्वेश्वर नाथ मंदिर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।